नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टाइट कोर एब्स और प्लांक चैलेंज, 15 डेज का प्लांक चैलेंज। किसी भी लड़की में अगर दम है तो ये चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, और जब आप लोग इसे पूरा कर लेते हैं तो आप लोग लाइक बटन जो है वो हिट कर सकते हैं। साथ ही आप लोग भी बन सकते हैं मेरे चैनल के मेंबर, और मेंबर बनने के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करना होगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे पहले आप लोगों का वर्कआउट है स्पाइडर प्लांक स्वाइप। स्पाइडर प्लांक स्वाइप के अंदर आप लोगों को स्पाइडर प्लांक करना है और उसके बाद में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आप लोगों को स्वाइप करना है। इसका पूरा जो है, इस एक्सरसाइज का पूरा जो तरीका है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें आप लोगों की जो मसल्स टारगेट होंगी वो आर्म मसल टारगेट होंगी, आप लोगों की ग्लूट मसल्स टारगेट होंगी, आप लोगों की कोर मसल्स इंगेज रहेंगी, जैसे कि हम लोग कहें रेक्टस एब्डोमिन आप लोगों की होंगी, मसल्स टाइट होंगी। तो इसमें आप लोगों को अपनी कोर मसल्स को इंगेज करना है, आप लोगों को अपनी कोहनियों के बल जो है वो प्लांक पोजीशन लेनी है, आप लोगों को हाथों अपनी हथेलियों के बेस पर जो है प्लांक पोजीशन नहीं लेनी है। साथ ही आप लोगों को स्वाइप करना है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नीज को बेंड करके। तो 40 सेकंड तक आप लोगों को ये एक्सरसाइज जो है वो करनी है। उसके बाद में आप लोगों को मिलता है 10 सेकंड्स का रेस्ट। 10 सेकंड के रेस्ट लेने के बाद आप लोग जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिस एक्सरसाइज का नाम है प्लांक स्कॉर्पियंस। प्लांक स्कॉर्पियंस जो है, आप लोगों को फील होगा कि आप लोगों ने जब फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही ट्विस्ट किया है, आप लोग जब रिवर्स डायरेक्शन के अंदर ट्विस्ट करेंगे तो आप लोगों की कोर मसल्स के साथ साथ आप लोगों की ग्लूट मसल्स भी जो है इंगेज रहने लग जाती हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों की जो कोर मसल्स जो हैं वो टारगेट होंगी वो आप लोगों की होंगी आप हाथों की यानी कि आर्म्स की, और आप लोगों की कोर मसल्स यानी कि रेक्टस एब्डोमिन, आप लोगों की ग्लूट मसल्स यानी कि ग्लूट मैक्सिमस मसल्स, तो ये सभी मसल्स जो हैं वो इसमें इंगेज रहेंगी। इसमें भी आप लोगों को कोहनियों के बल पर ही प्लांक पोजीशन जो है वो लेनी है, और जस्ट आप लोगों को लेग्स को विपरीत, अल्टरनेटिव लेग्स के विपरीत जो है वो लेकर जाना है। जब आप लोग ये एक्सरसाइज भी 40 सेकंड के लिए कर लें तो उसके बाद में आप लोगों को मिलता है 10 सेकंड का रेस्ट फिर से, और उसके बाद आप लोगों को करनी है इंच वार्म प्लांक फॉर 40 सेकंड्स। इंच वार्म प्लांक भी आप लोग जो है कैसे करें, इसमें आप लोगों को क्या करना है, जो कोहनियों के बेस पर आप लोगों को प्लांक पोजीशन में लेनी है, उसके बाद में आप लोगों को आगे की ओर चलकर चलना है और जस्ट पीछे की ओर आप लोगों को जंप लगाना है। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कैसे कैसे जो है वो प्लांक पोजीशन जो है इंच वार्म प्लांक जो है वो किया जा रहा है आप लोगों के साथ। तो 40 सेकंड के लिए भी ये आप लोगों को इंच वार्म प्लांक करना है, और इस इंच वार्म प्लांक में आप लोगों की जो टारगेट मसल रहेगी वो आप लोगों की इंगेज रहेगी, यानी कि आप लोगों की रेक्टस एब्डोमिन। तो इससे आप लोगों का जो भी महिलाओं को अपना पेट सुंदर बनाना है, लोअर बैली और अपर बैली को कम करना है, तो वो ये एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को फिर से मिल जाएगा 10 सेकंड का रेस्ट, क्योंकि आप लोगों ने 40 सेकंड के लिए इंच वार्म जो प्लांक है वो कर लिया है। उसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर लेकर चलते हैं, जिसका नाम है वन लेग प्लांक। वन लेग प्लांक का मतलब है आप लोगों को एक सिंगल लेग को आप लोगों को जस्ट मूव करना है अपर साइड की ओर, और आप लोगों को सेम डायरेक्शन में ही प्लांक पोजीशन करनी है। कहने का मतलब है कि आप लोगों को कोहनियों के बल ही प्लांक पोजीशन में रहना है। इस में आप लोगों की जो ग्लूट मसल्स है वो भी आप लोगों की इंगेज रहेगी, और साथ ही आप लोगों की जो हेमिस्ट्रिंग मसल्स है वो भी आप लोगों की इंगेज रहेगी। प्लांक पोजीशन है इसीलिए आप लोगों की जो कोर मसल्स है इरेक्टस एब्डोमिन वो भी आप लोगों की इंगेज रहेगी। सभी लड़कियों को ये भी 40 सेकंड्स के लिए करनी है, और जब लगातार आप लोग जो हैं ये वर्कआउट कर लेते हैं, सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, क्योंकि इसके बेनिफिट्स आप लोगों को जब मिलेंगे तब आप लोग मजबूर हो जाएंगे इस वीडियो को लाइक करने के लिए। साथ ही अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे दूसरी महिलाओं के लिए भी। इसके बाद में आता है नेक्स्ट वर्कआउट, जिसका नाम है स्काई एप्स। और स्काई एप्स को आप लोगों को कैसे करना है, ये भी आप लोगों को 40 सेकंड के लिए ही करना है। इसमें जो प्लांक पोजीशन है वो हथेलियों के बेस पर है। बहुत सी महिलाओं को क्या होता है कि गठिया बाई जैसी समस्याएं रहती हैं, तो प्लीज़ अगर वैसा आप लोगों को प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम होती है वर्कआउट करने के दौरान, तो प्लीज़ अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह पर ही आप लोगों को चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज़ आप लोग चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करें।
और जो लड़कियां स्लिम एंड फिट हैं पहले से ही, वो एक बार के लिए ये चैलेंज लेकर देखें और मुझे जो है वो कमेंट करके देखें कि ये वर्कआउट्स हम लोग कर चुके हैं और हम लोगों ने ये सक्सेसफुली जो है आप लोगों का चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये 15 डेज चैलेंज है, आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों के वीडियो को भी शेयर कर सकूं अपने चैनल के ऊपर। साथ ही आप लोगों को फिर से मिल चुका है रेस्ट और आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर ले चलते हैं, लैटरल प्लैंक वॉक। लैटरल प्लैंक वॉक में आप लोगों को क्या करना है, प्लैंक पोजिशन में आप लोगों को रहना है और प्लैंक पोजिशन कैसी होगी आप लोगों की, आप लोगों की प्लैंक पोजीशन होगी वही कोहनियों के बेस पर और आप लोगों को जस्ट मूव करना है, आप लोगों को लेग साइड में और राइट साइड दोनों मूव करने हैं आप लोगों को और ये एक्सरसाइज भी आप लोगों की रहेगी 40 सेकंड के लिए। इस एक्सरसाइज में आप लोग जो है जब चलकर चलते हैं, वॉक करते हैं, तो आप लोगों की जो एंगेज्ड मसल्स है वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप लोगों की जब भी कोई आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, ये चैलेंज लेकर आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, तो आप लोगों की जो मसल्स हैं, कोर मसल्स हैं, वो टाइट रहनी चाहिए। जब वो टाइट रहेंगी तो आप लोगों को पूरे बेनिफिट्स जो हैं वो उसके मिल पाएंगे, क्योंकि इंगेज्ड जब मसल्स रहती हैं तो आप लोगों को पूरे बेनिफिट्स जो हैं वो वर्कआउट्स के मिल जाते हैं। अब आप लोगों के पास है रेस्ट 10 सेकंड्स का और उसके बाद आप लोग कर सकते हैं प्लैंक रोटेशन एंड डिप। प्लैंक रोटेशन कैसे होता है और डिप कैसे करना है आप लोगों को ये देखिए। प्लैंक रोटेशन का मतलब है रोटेट आप लोगों को करना है और डिप आप लोगों को अपने हिप्स को करना है डाउन के अंदर। इसमें आप लोग देखिए अपने हैंड्स को जस्ट साइड प्लैंक आप लोग कह सकते हैं और इसमें आप लोगों को साइड प्लैंक के साथ हिप जो है वो रोटेट और डिप करने हैं। तो इसमें आप लोगों के जो दोनों पैर हैं वो आप लोगों के जस्ट एक दूसरे के ऊपर होंगे। बहुत सारी महिलाएं जस्ट क्रॉस में रख लेती हैं अपने लेग्स को, वैसे आप लोगों को नहीं रखना है और अपने हिप्स को डिप करना है। जब आप लोग ये वर्कआउट करेंगे तो सबसे हार्ड वर्कआउट आप लोग फील करेंगे, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा नहीं हो पाता कि वो साइड प्लैंक ही कर पाएं। तो ये चैलेंज भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा है, आप लोग ये एक्सरसाइज करिए और उसके बाद में भी मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों ने साइड प्लैंक हिप डिप के एक्सरसाइज भी आप लोगों ने कर ली है। अब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हिप डिप करना है और ये भी आप लोगों को कितने सेकंड के लिए करना है, 40 सेकंड्स के लिए। इन बिटवीन आप लोगों को गैप मिल गया है 10 सेकंड्स का, तो थोड़ा आराम भी आप लोगों को मिल जाता है। और हिप डिप जब आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें जो मसल्स होती हैं, टारगेट मसल्स होती हैं, वो होती है ओब्लिक मसल्स, आप लोगों की आर्म मसल्स, आप लोगों की रेक्टस एब्डोमिन मसल्स। और इन सभी वर्कआउट्स को बीच में दो वर्कआउट्स जो हैं वो 30-30 सेकंड्स के हैं, बाकी सभी वर्कआउट्स जो हैं वो 40 सेकंड्स के आप लोगों के हैं और 10 सेकंड्स का ही गैप जो है वो मैं हमेशा रखता हूँ। ये चैलेंज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जब आप लोग 15 डेज के लिए लगातार जो है वो करेंगे। और अगर आप लोग ये चैलेंज के जितनी भी वर्कआउट्स हैं अगर 15 डेज में सक्सेसफुली रन कर लेते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि हम लोगों ने ये सक्सेसफुली जो है चैलेंज जो है एक्सेप्ट कर लिया है और हम लोगों ने एक्सरसाइज कर ली है। अब आप लोगों के पास फिर से 10 सेकंड का रेस्ट है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग माउंटेन क्लाइंबर की ओर। माउंटेन क्लाइंबर एक्सरसाइज जो है वो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है और ये इस एक्सरसाइज में आप लोगों को क्लाइंब करना होता है माउंटेन के ऊपर ही। बहुत सारे लोग क्रॉस क्लाइंबर भी करते हैं, नॉट नीडेड कि आप लोगों को क्लाइंबर के साथ क्रॉस क्लाइंबर करना होता है। आप लोगों को ये एक्सरसाइज भी 40 सेकंड्स के लिए करनी है और जब आप लोग मूव करते हैं अपने लेग्स को अप एंड डाउन डायरेक्शन की ओर, तब आप लोगों की जो कोर मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट होने लगती हैं और आप लोगों को फ़ायदा मिलने लगता है, क्योंकि आप लोगों का फैट रिड्यूस होने लगता है। इट्स ए टाइप ऑफ आप लोग फैट कटर एक्सरसाइज भी इसको बोल सकते हैं। साथ ही आप लोग अपनी मसल्स को इससे टाइट भी कर सकते हैं जितना आप लोग चाहते हैं। माउंटेन क्लाइंबर ऐप्स जो है, माउंटेन क्लाइंबर एक प्रकार से ऐप्स बनाने की मशीन आप लोग कह सकते हैं। तो रेस्ट फिर से आ चुका है आप लोगों के पास 10 सेकंड्स का और आप लोगों को फिर से करनी है कुछ नई एक्सरसाइज जिसका नाम है प्लैंक हॉप्स। लड़कियां तैयार रह जाइए क्योंकि 15 डेज का चैलेंज है, एक्सेप्ट कीजिए और आप लोग जो हैं इस वीडियो को आप लोग जो हैं शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को कि वो भी आप लोगों के साथ इन सभी वर्कआउट्स को एक्सेप्ट कर सकें और वो इन सभी वर्कआउट्स को कर सकें। अगर वो ये चैलेंज लेकर एक्सेप्ट करती हैं ये महिलाएं या कोई भी लड़कियां, तो मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मैं आप लोगों को गिव अवे करूंगा एक अच्छा सा कोई भी आप लोगों डिवाइस जो है आप लोग मैं अभी नेक्स्ट मूव वीडियो में आप लोगों को एक डिवाइस बताऊंगा ह्यूमिडिफायर,
तो अगर कोई एक्सेप्ट करता है और अपने वीडियोस मुझे सेंड करता है तो मैं ज़रूर उसको ह्यूमिडिफायर जो है वो गिव अवे करूँगा। लेकिन ये एक चैलेंज जो है आप लोग एक्सेप्ट करेंगे और उसी के बाद ही आप लोग जो है ह्यूमिडिफायर को पा सकेंगे। तो अब आप लोगों को मिलता है 10 सेकंड का फिर से रेस्ट और उसके बाद आप लोगों को मिलती है नई एक्सरसाइज जिसका नाम है साइड प्लैंक बाइसाइकिल लेफ्ट। साइड प्लैंक बाइसाइकिल लेफ्ट का मतलब है साइड प्लैंक पोजीशन रहेगी और उसके बाद में आप लोगों को बाइसाइकिल भी डालना है। बाइसाइकिल का मतलब है आप लोगों को लेग्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करना है, बेंट नीज को आप लोगों को बेंट करना है चेस्ट की ओर। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को कितने सेकंड के लिए करनी है, 30 सेकंड्स के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड्स के साथ है तो मैंने लेफ्ट यहां पर लगाया है साइड प्लैंक बाइसाइकिल एल। और सेम एक्सरसाइज आप लोगों को राइट हैंड के साथ भी करनी होगी जिसका नाम मैंने रखा है बाइसाइकिल साइड प्लैंक बाइसाइकिल राइट। तो इन बिटवीन आप लोगों को गैप भी नहीं मिला है, कंटिन्यूसली में आप लोगों को ये दोनों एक्सरसाइज करनी होंगी। तो इस एक्सरसाइज से अगर आप लोगों की जो कोर मसल्स है वो कौन सी होंगी आप लोग भी अंदाज़ा लगाइए। आर्म मसल्स आप लोगों की कोर होंगी इंगेज रहेंगी, आप लोगों की ग्लूट मसल्स जो है वो इंगेज रहेंगी क्योंकि बाइसाइकिल चलाते समय आप लोगों की हैमस्ट्रिंग्स जो मसल्स हैं वो भी आप लोगों की कोर जो मसल्स हैं वो भी आप लोगों की इंगेज रहेंगी। तो ये दोनों वर्कआउट्स जो हैं आप लोगों को लेफ्ट एंड राइट हैंड के साथ करने हैं और 30 सेकंड्स के लिए यानी कि 1 मिनट के लिए आप लोगों को दोहराने हैं। जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि दोस्तों एक्सरसाइज आप लोगों का एक की है जो आप लोगों को स्वस्थ बनाता है। आप लोगों को फिर से आप लोगों को 10 सेकंड्स का रेस्ट लेना है और उसके बाद आप लोगों को ले चलते हैं एक नई एक्सरसाइज की ओर यानी कि सेकंड लास्ट एक्सरसाइज की ओर जिसका नाम है प्लैंक विद आर्म एंड लेग एक्सटेंशन। आर्म एंड लेग एक्सटेंशन का सीधा सा मतलब होता है हाथों को इंगेज रखना और आप लोगों के पैरों को भी इंगेज रखना। ये थोड़ी सी टफ एक्सरसाइज है जो मुझे लगी है। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को अपने हैंड्स को जस्ट स्ट्रेट पोजीशन में लेकर जस्ट आप लोगों को साइड में लाना होता है और सेम कंडीशन आप लोगों को अपने लेग्स के साथ करनी होती है। तो जस्ट ए टिपिकल एक्सरसाइज बट यू कैन डू आई नो बट इफ़ यू ट्राई देन यू कैन डू ओके। सो अगर आप लोग करते जाते हैं तो आप लोग सीखते जाएंगे क्योंकि कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो टिपिकल होती हैं और कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो आप लोगों के लिए आसान होती है। तो मेरे लिए टिपिकल थी लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को दिखानी चाहिए क्योंकि ये चैलेंज है जो आप लोगों को करना है। फिर से आ चुका है रेस्ट और आप लोगों को करनी है नेक्स्ट एक्सरसाइज अप एंड डाउन जैक्स। ये लास्ट एक्सरसाइज है जो आप लोगों को करनी है अप एंड डाउन जैक्स। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को क्या करना है, हथेलियों के बेस पर आप लोगों को प्लैंक पोजीशन में रहना है और डाउन पोजीशन में भी आप लोगों को जैक्स करने हैं यानी कि अपने पैरों को जस्ट पास में लाना है और दूर लेकर जाना है। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को अप एंड डाउन प्लैंक विद जैक्स आप लोग बोल सकते हैं, ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को 40 सेकंड के लिए करनी है। दोस्तों ये चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और मुझे लाइक दीजिए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने इंस्टाग्राम पर, अपने फेसबुक अकाउंट पर और साथ ही अपने व्हाट्सएप पर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।